अपने शहर और आसपास की खबरें पाने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी वाले बटन को दबाएं। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में दैनिक जीवन की व्यस्तता के बीच लोगों को राशन लेने के लिए दुकानों में घंटों इंतजार करना पड़ता है। समय भाव के चलते राशन लाने में देरी कई बार घरों में पति पत्नी के बीच नोकझोंक का कारण भी बनती है। कुछ ऐसी परिस्थितियों का सामना कर रहे चंडीगढ़ के जुआ दंपति ने स्टार्टअप बनकर लोगों को घर में बैठे ही राशन पहुंचाने के लिए सोमवार को ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर की शुरुआत की है। जिवाला.in ग्रोसरी वाला चंडीगढ़ मोहाली व पंचकुला में अपनी तरह का पहला ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर है। टीम को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो उन्होंने एक महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए जो एक शुरुआत की है, उसी शुरुआत की एक मुहिम के साथ जुड़ करके मुझे आज बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैं एक ऐसे शुभ काम के लिए मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया गया है एज ए चीफ गेस्ट। तो ये मेरा सौभाग्य है। और कहते हैं कि महिला सशक्त क्यों नहीं है, क्या लगता है कि महिला सशक्त नहीं है? उस ईश्वर ने उस महिला को शुरू से ही सशक्त करके इस धरती पर भेजा है। उस पुरुष को जिसे इस पुरुष को महान समाज में उस महिला से श्रेष्ठ समझा जाता है, मुझे लगता है कि जब महिला एक पुरुष को जन्म दे सकती है तो महिला सबसे अधिक सशक्त है। जरूरत है सिर्फ अंदर के उस आत्मविश्वास को पहचानने की। तो ये शुरुआत है जीवाला.com जो साइट है उसके द्वारा महिलाओं को जो एक घरेलू जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि जैसे ही वो रसोई में जाती है तो उसको रसोई में प्रयोग में आने वाले जितने भी मसाले हैं, अगर एक मसाला भी ना हो तो उसका काम ही रुक जाता है। मानते हैं क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, हमें अपने निरंतर जो जीवन है उसमें बहुत सारी जिम्मेवारियों को साथ लेकर के चलना पड़ता है। अभी आपको यकीन नहीं होगा मैं यहाँ बैठी हूँ, इससे पहले मैं पंजाबी में जिससे जैसे मैं PhD कर रही हूँ अभी, तो मैं अपना जो 6 महीने रिपोर्ट सबमिट करके आई हूँ उसके बाद यहाँ, और इसके बाद फिर घर, सुबह फिर घर के जो घरेलू जीवन की आपका रसोई की इससे शुरुआत होती है और अंत भी रसोई में ही होता है। तो ये एक जो शुरुआत है महिलाओं की सहूलियत के हिसाब से, कई बार हम अपने जीवन में इतने व्यस्त होते हैं हम भूल जाते हैं कि किचन में हमारे पास सब्जियां हैं, मसाले हैं, नहीं है, तो हम चाहे कहीं पर भी बैठे मोबाइल हमारे हाथ में जरूर होता है और हम व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया से कनेक्टेड रहते हैं, तो हम कहीं पर भी बैठ करके हम ऑर्डर कर सकते हैं कि आज मुझे घर जा करके ये चीज बना रही है और हम ऑर्डर कर सकते हैं। तो मैं इस पूरी टीम को धन्यवाद कहना चाहूंगी। और कुछ पंक्तियां हैं जो मैंने खुद लिखी है और बचपन से ही मेरे जीवन में मेरे साथ चलती रही हैं और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैं अपने मन को और अपने मस्तिष्क को पवित्र रखती हूँ, ताकि जो भी जिंदगी में शुरुआत की जाए, चाहे आप कोई साइट की शुरुआत कर रहे हैं या आप एजुकेशन में कहीं अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं या बिजनेस में, तो वो पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। कभी सोचती हूँ डॉक्टर बनूंगी, कभी सोचती हूँ इंजीनियर बनूंगी, कभी सोचती हूँ डॉक्टर बनूंगी, कभी सोचती हूँ इंजीनियर बनूंगी, लेकिन जब एक बिजनेस वूमेन को देखा तो सोचा मैं भी बिजनेस करूंगी, लेकिन जब कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने माँ से जाकर पूछा, और माँ माँ और माँ मैं क्या बनूंगी? माँ ने हंसकर कहा, बेटी कुछ और बनो या ना बनो, लेकिन इस जिंदगी में एक अच्छा इंसान जरूर बनना। तो अगर आप कुछ भी शुरुआत करते हैं तो सच्चे मन से और एक सच्ची उम्मीद के साथ आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। और मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ जीवाला टीम को कि ये निरंतर आगे अग्रसर रहे और दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। चंडीगढ़ ही नहीं, पूरे हरियाणा में और पूरे इंडिया में इनका नाम हो और इस साइट का जो भी हो जीवाला इसका नाम हो। प्रॉफिट नहीं है उनका, प्रॉफिट उनका 200, 400, 500 पे ही आता 5000 रुपये।
मुश्किल से अगर 5,000-3,000 सेल करते हैं तो 400-500 रुपये प्रॉफिट आता है जिसमें उनका घर नहीं चल सकता। क्यों ना मैं एक ऑनलाइन लेके आऊँ, क्योंकि आज की डेट में डिजिटल का जमाना है। हमारे प्रधानमंत्री साहब मोदी जी ने बोला है कि डिजिटल गो डिजिटल, तो वो सब चीज़ों को दिमाग में लेके मैंने सोचा कि चलो ग्रोसरी वालों को भी गो डिजिटल करें और छोटे दुकानदारों को एकजुट करके उनका राशन हम ऑनलाइन सेल करना शुरू करें। हमारे माध्यम से उनका राशन कस्टमर तक के, कंज्यूमर तक के पहुँचे और सही राशन पहुँचे, वही दुकान उनकी रहे, वही सामान रहे, बल्कि रेट और उनसे कम हो जाए, जिससे कि दुकानदारों का रोजगार बढ़ जाए। जब दुकानदारों का रोजगार बढ़ेगा तो उनके पास वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम आने से क्या होगा कि वो एम्प्लॉई हायर करेंगे और वही एम्प्लॉई हम भी हायर करेंगे। क्यों? इसमें डिलीवरी सर्विस बहुत अपने आप में एक बहुत अहम किरदार निभाती है। सर्विस अगर सर्विस नहीं ठीक से हुई तो राशन या कुछ भी है आप तक नहीं ठीक से पहुँच सकता है। सर्विस के लिए हमें मैन पावर चाहिए, बैकएंड टीम चाहिए, तो धीरे धीरे करके हमारी टीम आगे बढ़ेगी। और मेरा जो लक्ष्य है आने वाले 3 महीनों के अंदर, पहले ट्राइसिटी के अंदर एटलीस्ट मैं 5,000 यूज़र को राशन डिलीवरी कर दूँ। मैं ज़्यादा नहीं बोलता कि मैं एक दिन में 5,000 कर दूँगा, 3 महीने में आने वाले दिन में मैं 5,000 तक के कंज्यूमर को अटेंड करूँ। जब 5,000 कंज्यूमर को अटेंड करूँगा तो उसके लिए मुझे कम से कम 50 डिलीवरी बॉय भी चाहिए होंगे। मिनिमम ऑर्डर कितने का लेते हैं? मिनिमम ऑर्डर जो हमारा है 499 का है और 999 तक के हम लोग जो है इस पे COD चार्जेस लगाते हैं, क्योंकि हम पूरा ट्रेसिटी कवर कर रहे हैं। अगर आपने 500 का ऑर्डर मंगाया तो हम फ्री में डिलीवरी नहीं दे पाएंगे, तो एक बहुत नॉमिनल चार्जेस लगाया हमने, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये। 30 रुपये जो है चंडीगढ़ का COD चार्जेस है, अगर ऑर्डर आपका बिलो 999 का रहता है। मोहाली का रहता है 50 रुपये, पंचकूला का रहता है 40 रुपये, जीरकपुर का रहता है 50 रुपये। जीरकपुर में हम KFC तक के हमारा लास्ट बॉर्डर है और मोहाली का हमारा 125 सेक्टर लास्ट बॉर्डर है। पंचकूला की हम बात करें तो पंचकूला में 28 सेक्टर तक के हम राशन डिलीवरी अपनी दे रहे हैं। सर्विस जो है एनकाउंटर चंडीगढ़ से, कैमरामैन जुदवीर के साथ विनोद कुमार की रिपोर्ट।